शहर की बच्ची तीरा कामत का इलाज एसआरसीसी अस्पताल में चल रहा है। वो स्पाइनल मस्कुलर एट्रोपी नामक गंभीर बीमारी से पीड़ित है। जिन थेरेपी से बीमारी को ठीक करने के लिए इंजेक्शन की आवश्यकता होती है, हालांकि इस इलाज की कीमत लगभग 16 करोड़ रुपए है। तीरा के माता पिता ने क्राउड फंडिंग के माध्यम से धन जुटाया है। इन इंजेक्शनों पर 2 से 3 करोड़ रुपए का आयात शुल्क लगता है, इसलिए तीरा के माता पिता के सामने एक नया संकट खड़ा हो गया है। अब तीरा के माता पिता ने मदद के लिए केंद्र और राज्य सरकार से गुहार लगाई है। मुंबई के अंधेरी में रहने वाले प्रियंका और मिहिर कामत के घर 14 अगस्त 2020 को एक बच्ची ने जन्म लिया। उसका नाम तीरा है। बेबी तीरा को 2 सप्ताह के बाद दूध पीने में परेशानी होने लगी। उसकी हालत देखने के बाद उसे तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ के पास ले जाया गया, जहां एक दौर के परीक्षण के बाद उन्हें 24 अक्टूबर को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का पता चला। इस बीमारी की दवा जीन थेरेपी का एक इंजेक्शन है, हालांकि इसकी कीमत बहुत अधिक, लगभग 16 करोड़ है। जैसे ही माता पिता को ये बीमारी की जानकारी हुई, उनकी पूरी दुनिया ही मानो वीरान हो चुकी थी। ये बीमारी दुर्लभ है, इसलिए देश में इसके बारे में ज्यादा जानकारी उपलब्ध नहीं थी। हालांकि दंपत्ति को जल्द ही एहसास हो गया कि उन्हें अमेरिकी फार्म कंपनी से महंगी दवाई मिल सकती है। इस उपचार के लिए आवश्यक इंजेक्शन की लागत 100 करोड़ रुपए है। राशि को बड़ा मानकर क्राउड फंडिंग का विकल्प चुना गया। तीरा के माता पिता की इच्छा के अनुसार कुछ ही महीनों के भीतर राशि प्राप्त हो गई, लेकिन अब उनके सामने एक और समस्या आ गई कि भारत में दवा लाने के लिए आयात शुल्क के रूप में उन्हें 2 से 5 करोड़ रुपए का भुगतान करना होगा।